ठीक है, एक और जला के दिखा दे, कोई दिक्कत ना है भाई। तो हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे आप सब लोग, आप ठीक होंगे, घर पर बैठ के एंजॉय करेंगे। तो आपका भाई शाह लेकिन न्यू ब्लॉग के साथ आया है। तो ओके गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली, जो कि तुम्हें पता है दिवाली आ रही है। दिवाली के लिए घर में सजावट करनी पड़ती है, तो उसी के लिए आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और दिल्ली से काफ़ी सारा सामान लाऊँगा, लाइट हो गया और घर पर कुछ सजावट के लिए फूल वगैरह ला रहे हैं। और देख सकते हो मैंने न्यू हेयर कटिंग करा ली है, जो कि जिसमें अब मैं बैटर नहीं लग रहा हूँ। और गाइस मैं चलता हूँ दिल्ली में, जो कि आज मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक, जहाँ की लाइट बिजली का सामान, लाइट वगैरह सब वहीं मिलता है। और मैं मिलता हूँ आपको सीधा चांदनी चौक मार्केट। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। और गाइस आज का कुछ मेरा प्लान मेट्रो से जाने का था, और आते शाम रिटर्न शायद मैं दिल्ली से बस में आऊँ। जब जाएंगे जब ही पता लगेगा, बट अभी तो देखते हैं। फिलहाल तो मैं अभी मेट्रो से जाऊँगा, आते समय देखेंगे मेट्रो से आएंगे या बस से आएंगे। तो मिलता है आपको। होटल तो ले लिया है, हम मेट्रो की तरफ चलते हैं। फाइनली हम चांदनी चौक पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम शॉपिंग करते हैं। और पीछे मेरे जो गुरुद्वारा है, अभी हम इसमें भी आएंगे, और सामने बैक साइड में भी लाल किला है। आज कुछ प्लान ऐसा है कि आज चांद दिल्ली आए हैं, तो कुछ ज़्यादा जगह प्लेसेस पे ट्रैवल करके जाएंगे। और गाइस अभी करते हैं हम चांदनी चौक पे से शॉपिंग, देखते हैं चांदनी चौक में मिलेगी लाइट वगैरह। यार एक और बाज़ार है आगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलते हैं, वहाँ मिलेगी। तो देख सकते हो आप गाइस चांदनी चौक पे कितनी भीड़ है, जहाँ भी देखोगे पब्लिक की पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ है आज के दिन। और दिवाली भी आ रही है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आज सामान खरीदना है। चांदनी चौक में लाइट मार्केटिंग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम देखते हैं किस प्राइस में और कैसे प्राइस में सामान मिलता है, फिर इसी हिसाब से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख लो घर के सजावट के सामान भी मिल रहा है। भैया कितने की है? 480। ये वाली है, ये 130 रुपये 30 मीटर। भैया कितना पड़ता है भाई? ये कितने का? ये क्या 6 पीस है भाई, 100 का 6। और ये कितने हाँ जी भाई? ये 150 की डब्बी है। कितना आते हैं इसमें? इसमें 2.5 डब्बी आता है। चलो ये कैसे सब कुछ दिया हुआ सर, अंदर बना हुआ है सब कुछ। मोमबत्ती दिया लगाना, इसके बीच में आग लगाना। पोपो कितने का? 250 की है भाई, 250 रुपये का। तो गाइस यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ फिलहाल और अभी तो मैं थोड़ा सा घूमा हूँ, अभी यहाँ पर भूख लग रही है, तो
छोले वोले खा लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ खाने के बाद। तो गाइस अब मैंने खा लिए छोले कुलचे और कुलचे काफ़ी स्वाद है इस अंकल के। और गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ से काफ़ी ऊपर खड़ा हूँ और मार्केट का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम चांदनी चौक की मार्केट तो घूम लिए बट अभी कुछ लिया नहीं है। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे गुरुद्वारा और लंगर खाने के बाद फिर से हम चांदनी चौक मार्केट जाएंगे, फिर वहाँ से सामान लेंगे। तो चलते गाइस लंगर खाने। तो भाई यहाँ पे मिली है मस्त दाल रोटी जो कि काफी बढ़िया लग रही है। अब मैंने गुरु जी के भी दर्शन कर दिए और लंगर भी खा लिए। अब करते हैं चांदनी चौक पे जाके शॉपिंग और लाइट वगैरह देखते हैं और वो भी लेते हैं जो पट पट फूटते हैं, जो भी आपको आवाज आ रही होगी काफी। और अभी लेते हैं जो बलून जलाते हैं जिसमें आग लगा के उड़ाते हैं वो वाला भी बलून लेंगे। तो चलते हैं फटाफट से। हिला हिला हिला। चार तो ये हो गई ब्लू वाली और तीन और दे दो। कौन सा चाहिए? चार ब्लू हो गई, तीन ये दे दो वाइट। खराब फोटो ले लो कोई। एक ये ले लिया है, एक ये और एक ये। ठीक है मेरी शक्ल मत करते हो। तो गाइस फाइनली अब मैंने काफ़ी सामान ले लिया। बैग देख सकते हो आप फुल एंड फुल है। और ये 10 पीस मैंने स्काई लैम्पटन भी ले लिए जो कि दीपावली में आपको दिखाऊंगा उड़ा के कैसे, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे जाते हैं, मज़ा आता है इनको भी उड़ाने में। और बैग में काफ़ी सामान और बैग भारी हो चुका है। 10 लाइट ले लिए और काफ़ी पटाखे भी ले लिए। हमारे घर में बच्चों उन्होंने पटाखे मंगाए थे उनके लिए पटाखे भी ले लिए। ये देखो गाइस कितना शानदार, सामने लाल किला में मेला लग रहा है अभी देख सकते हो, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। बहुत मुश्किल हो गया सामान लेना, शॉपिंग तो कर लिया, अब यहाँ लाल किला के अंदर आए हैं, थोड़ा मेला वोला लग रहा है वो देखते हैं। ये अपना लाल किला है और ये देखो यहाँ पे मेला लग रहा है। ये जाके देखूँ, एक झूला तो झूलूँगा ही कम से कम। तो भाई यहाँ पे काफ़ी मस्त मेला लग रहा है, मन कर रहा है यहाँ पे एक झूला झूलने का। तो काफ़ी सारे झूले हैं, उनमें से मेरे को लग रहा है या तो ये वाला झूलूँ या बैक साइड में ड्रैगन वाला उस पर झूलूँ, इन दोनों में से एक पे झूलूँगा। प्राइस पता कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद में डिसाइड करते हैं। मैंने इस वाले के लिए दो टिकट ले लिए, एक मेरी तो ऊपर चलते हैं अब। तो अब लेते हैं ऊपर के मज़े, आज पहली बार लाइफ में जा रहा हूँ इसके ऊपर। भाई मेरे को पता है ये 70 रुपए की पड़ी है और को 100 रुपए की पड़ती है। तो भाई अब जा रहे हैं हम इसके अंदर, हमारी भी बारी आएगी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसा रहेगा। चलो भाई, ओ भाई भाई गिरेगा तो ना, एक्सपीरियंस रहेगा फर्स्ट टाइम, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। साइड पकड़ लेते हैं भाई साहब, इन भैया को ले लिया है मेरे साथ में, आज इनका काट देते हैं यहाँ पे, मतलब 1000 रुपये का चूना लगा देते हैं, इनको मैंने बचा लिया। तो अब झूलते हैं, खाली 6 राउंड दिए हैं 100 रुपये में, हमारा लिया 70 रुपये। चेक करना ओ भाई, और यार अभी तेज चलेगा, बहुत ऊंचा भाई ये। ले भाई साहब ये फोन बंद करते हैं अब। हाँ हाँ ऐसे रखो बस, बबल की बहुत बढ़ गया भाई साहब, देख सकते हो अभी आप कितना ऊंचा जाएगा ये।
भाई साहब पूरा देख रहे हो ऊंचाई से भाई, मौ कसम भाई मजा आ गया रे। ओ भाई ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गलती तो ना बैठ लो भाई साहब, इस बार इसका भाई साहब मारन का कत रहा है वो भाई साहब सलाम तो भाई एक्साइटेड भी हो रही है, डर भी लगता है क्या? ओ भाई भाई गए 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 ओ भाई साहब, ओ भाई एक्साइटेड भी हो रही है भाई साहब, डर लग रहा भाई यार, भाई यार ओ भाई चू वो मेर दिया रहे ना तो भाई मेरा मित्र है। ओ भाई साहब ओ तेरी भाई साहब, यो भाई ना बैठू भाई से, मैं भाई गलती से बैठ गया भाई, भाई ना बैठू भाई आज के बाद भाई साहब खतरनाक है भाई। मचा भाई इसमें तो गिरे था जिंदा ही ना मचा है मौत के, इस भाई को देखो भाई चक्कर आ रहे हैं इस भाई को। ओ भाई साहब पेट में गुड़गुड़ हो रही है रे अंक भैया, आपको कैसा लग रहा है भाई? पुत्री भाई ऊपर आ रहा है ना तो पार दे भाई, ऊपर आते पार दे भाई, फोन रख दो जेब में भाई। फाइनली मैं एक झूला तो झूल लिया हूँ, वो गोल वाला भाई साहब इतना खतरनाक है कि मेरी किडनी पिडनी सब फैल हो जाती, नहीं झूलूंगा भाई साहब आज के बाद नहीं झूलूंगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत बेहतर था, पर इतना डर लग रहा था कि सोची नहीं थी मैंने। अब मैं जा रहा हूँ ड्रैगन वाले पे, देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो चलते हैं गाइस आपको मिलते हैं ड्रैगन वाले पे। तो फाइनली अब मैंने इसकी भी टिकट ले ली है, तो अब इसका भी एक्सपीरियंस लेता हूँ और आपको बताता हूँ, तो चलते हैं। तो भाई ये भाई और मिले, ये भी हमारे साथ ही झूल रहे हैं, वहाँ भी एक भाई पकड़ लिया, यहाँ भी तीन भाई पकड़ लिए हैं। तो अब देखते हैं झूला टूट के ना गिर जाएगा और ये सही है ना सही करता है। 700 क्या घंटे 200 घंटे नहीं, अभी 500 400 होने वाले हैं घंटे, 200 घंटे होने वाले कमी है, हम सब कितने घंटे से बढ़िया भाई, अरे हम आपका भी करवा देंगे। तो भाई ये भी यूट्यूबर है भाई, ब्लॉग बनाता हूँ मैं, और इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, नाम बता दो भाई। डीएम मोहित ब्लॉग, इसका भी है भाई, आपका भी है, एक ही है इनका अलग है भाई। तो इस भाई का भी चैनल है, इस भाई को चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, बता दे हेल्प कर देंगे भाई। हाँ हमारा चैनल है भाई, सुप्रीम तिवारी गाने बनाते हैं हम। आपका नाम क्या भाई? साहिल तंवर है मेरा नाम। साहिल तंवर कहाँ से भाई? गुड़गांव। गुड़गांव से भाई, सुप्रीम तिवारी मेरा नाम है, आज झूला झूलने आए थे लाल किले पे, और भाई गाने सुन लेना हमारे, बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा भाई, मजा आ जाएगा। भाई को सब्सक्राइब करो भाई, बहुत कुछ सुन लिया अभी, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे है ना। हाँ भाई इनका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना, तो हम देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई साहब मजा आ रहा है, मजे ना मजे तो आ रहे भाई। आपको आगे से व्यू दिखाता हूँ, देखो ओ भाई।
ओ भाई भाई, ओ भाई देखो देखो कैसे जा रहा है, ओ तेरी भाई देखा आपने कैसे झुक जाता है झूला, देखो भाई भाई आवाज आ रही है इसमें, ओ भाई ओ भाई टूट जाएगा झूला टूट जाएगा भाई ओए भाई ओए भाई ओए ओ भाई ये मत करो भाई ओए ओए गाइस भाई ना देख लो भाई, तो गाइस भाई इस भाई ना देख लो मरण के घाट पे कैसे खड़े होगा भाई, क्या भाई भाई देखो भाई, ओ भाई गिरने के लिए हो रहा भाई कत देख लो गाइस। भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, मां कसम भाई नहीं बैठूंगा, बैठूंगा तो बीच में बैठूंगा, लास्ट में गलत बैठा दिया भाई ने मेरे को यार, अच्छा तो लग रहा भाई, डर लग रहा है यार, ओ भाई 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 साहब सोच ही नहीं थे इतने खतरनाक है भाई साहब, ऊपर जाता है तो भाई साहब ऐसे निकल आत्मा निकल गई बाहर, नहीं झूलूंगा इस पर भाई, कभी कभार झूल लूँगा, मजाक कर रहा हूँ, झूलूँगा ज़रूर, पर बहुत मज़ा आया और ऐसे मज़े आप सभी लो, और आज इतना मज़ा आ गया ना सोच ही नहीं थी मैंने, आज काफ़ी मज़ा आया, चांदनी चौक भी घूमा और लाल किले में मैं यहाँ पे मेले में भी आया, मेले में तो बस घूमने आया था, और पता है घूमने के बाद क्या होता है, कुछ चीज़ दिखती है तो मन करता है आपका करने का। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ न्यू लोकेशन पर, जब तक के लिए बाय बाय।